आज हम बनाने वाले हैं एक वायर्ड रोबोट। ये रोबोट 1 kg तक के वजन को उठा सकता है। अब लगाते हैं इंट्रो। इसे बनाने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए DPDT स्विच, 2 गियर मोटर्स। मोटर पर वायर लगाकर इसे टेप से अच्छे से बांध देना है। अब चाहिए 2 व्हील्स। इसे बनाने के लिए लकड़ी के टुकड़े को मैंने कलर पेपर से चिपका दिया है। आप इसकी जगह कुछ और भी चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। मोटर की शाफ्ट को बाहर की तरफ रखते हुए मोटर को डबल साइड टेप से चिपका देना है। मोटर के शाफ्ट पर पहिए को लगा देना है। दूसरे मोटर को भी डबल साइड टेप से चेसिस के ऊपर चिपका देना है। अब एक कास्टर व्हील ले लेना है। ये व्हील चारों दिशाओं में मूव कर सकता है। टेप के खाली रिंग को कार्डबोर्ड से चिपकाकर उस पर कास्टर व्हील लगा देना है। अब इसे लकड़ी के टुकड़े के ऊपर आगे की तरफ चिपका देना है। DPDT स्विच में 6 पिन होते हैं। इस स्विच से आप मोटर को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमा सकते हो। 1 नंबर और 6 नंबर की पिन को एक वायर से जोड़ देना है और 4 और 3 नंबर की पिन को भी एक वायर से जोड़ देना है। अब 4 और 1 नंबर की पिन को मोटर में लगा देना है, या फिर आप 6 और 3 नंबर की पिन को भी मोटर में लगा सकते हैं। 5 और 2 नंबर की पिन पर बैटरी के प्लस और माइनस को लगाना है। अब एक बैटरी से दोनों स्विच को और मोटर को पावर देने के लिए दोनों स्विच के 5 और 5 नंबर की पिन को एक तार से जोड़ दिया है और दो नंबर की पिन को भी एक तार से जोड़ दिया है। अब दोनों स्विच में से कोई सा भी स्विच पर बैटरी के प्लस और माइनस को लगा दिया है। अब कोई सा भी कार्डबोर्ड या फिर प्लास्टिक के टुकड़े पर स्विच को चिपका देना है। अगर आप दोनों स्विच के आगे वाले भाग को दबाएंगे तो ये फॉरवर्ड जाएगा और पीछे वाले भाग को दबाने से ये बैकवर्ड जाएगा। राइट या लेफ्ट के लिए एक स्विच के आगे वाले भाग को दबाना है। अगर आप इससे लगातार 5 मिनट खेलते रहोगे तो कैसे क्या करना है वो आपको समझ में खुद ही आ जाएगा। इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत और बहुत खर्चा हुआ है, इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।